नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मैच नंबर 67 एक बार फिर से आप लोगों के सामने आए हैं। हमने दोनों टीमों की प्लेइंग 11, क्योंकि ये मुकाबला बड़ा ज़रूरी है, इस मुकाबले से तीन टीमों की किस्मत जुड़ी हुई है मेरे भाई। देखिए, इस मुकाबले से दिल्ली, इस मुकाबले से पंजाब, इस मुकाबले से KKR, इन सब की किस्मत जुड़ी हुई है मेरे भाई साहब इस मुकाबले से, और इस मुकाबले से RCB की किस्मत भी जुड़ी हुई है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 मैंने अपने चैनल पर बना दी है, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है। अब सारी क्या है, अब बात आती है फैंटेसी, क्योंकि आप लोग फैंटेसी की बहुत डिमांड करते हैं। हर मैच के हम आपको फैंटेसी टिप्स बताते हैं, तो इस मैच के भी फैंटेसी टिप्स हम आपको बताएंगे। अब देखिए, फैंटेसी टिप्स में क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि खिलाड़ी की फॉर्म, उनका फिटनेस का जरूर ध्यान रखें। यह बात अगर ध्यान रखेंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे, नुकसान नहीं होगा आपको। अब देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं विकेट कीपर के बारे में, तो विकेट कीपर के बारे में चलिए बताते हैं। विकेट कीपर इधर से रिद्धिमान सहा आएंगे और इधर से आपके दिनेश कार्तिक करते हुए आएंगे, इधर से आपके गुजरात की तरफ से एक और विकेट कीपर का ऑप्शन मिलेगा, 0/0 वाला प्लेयर है मैथ्यू वेड। तो मैथ्यू वेड को ना ले आप, रिद्धिमान सहा और दिनेश कार्तिक दोनों को ले ले, दोनों को ले लो, दोनों बेहतर हैं। दिनेश कार्तिक भी और रिद्धिमान साहब भी, दोनों अलग अलग टीम के, एक एक बल्लेबाज आपका हो जाएगा, बेहतर है। देखिए, कार्तिक फॉर्म में है, सहा ऊपर खेलते हैं और फॉर्म में है, तो दोनों को लेना इसलिए फायदेमंद साबित आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, गिल को मैं चाहता हूँ कि ले लो यार, मैं चाहता हूँ गिल को ले लो, गिल बढ़िया कर सकता है, बहुत बेहतर है, क्योंकि जिम्मेदार बल्लेबाज है तो गिल बढ़िया कर सकता है। मिलर को एक ले लेना यहाँ पर, मिलर आपके लिए बढ़िया कर सकता है। राशिद खान को जरूर ले लेना, राशिद खान बढ़िया कर सकता है। उसके बाद में यश दयाल को जरूर ले लेना, यश दयाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और स्विंग गेंदबाज है इसके ये। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर मैं चाहता हूँ, देखिए विराट कोहली और डुप्लेसिस दोनों में से किसी एक को लेना जिसको आप बेहतर समझ रहे हैं। अब मैं दोनों को लेने के लिए तो बोल नहीं सकता, दोनों की फॉर्म भी एक जैसी है, दोनों रन भी एक जैसी बना रहे हैं, दोनों आते भी ऊपर ही हैं, अब किसको बोला जाए यार, किसको लें किसको ना लें, लेकिन दोनों में से एक को तो जरूर ले लेना, दोनों में से एक जरूर पॉइंट दे सकता है कोई भी एक, जिसको आप चाहें एक ओपनर जरूर लेना चाहिए दोनों टीमों में से। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि दोनों टीमों में से एक ओपनर जरूर लेना चाहिए, एक इसका एक इसका, तो दोनों टीमों में से एक ओपनर जरूर लेंगे, तो कौन सा लेंगे वो आप अपने आप देख लीजिए। रजत पाटीदार को जरूर ले लें, रजत पाटीदार को ले लें। उसके बाद में यहां पर देखिए, अब मैं मैक्सवेल और लोमरोड दोनों में कंफ्यूज हो गया हूं कि दोनों में से आपको किसको लेने के लिए बोलूं। बेहतर होगा मैक्सवेल को ले लें, क्योंकि मैक्सवेल गेंदबाजी भी कर लेते हैं, वो एक आध विकेट भी अगर ले लिया उन्होंने, अगर उन्होंने एक विकेट भी ले लिया और 20 रन बना दिए तो आपको अच्छे पॉइंट दे देंगे, एक विकेट के पॉइंट मिल जाएंगे और रनों के पॉइंट मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं मैक्सवेल के पीछे ज़्यादा जाना चाहूँगा। लेकिन दिल मेरा लोमरोड को बोल रहा है, क्योंकि लोमरोड फॉर्म में है, बहुत अच्छे रन बना रहे हैं, चौके छक्के लगाते हैं, तो लोमरोड को दिल बोलता है और दिमाग मैक्सवेल को बोलता है। अब आप अपनी तरफ से सोच लेना कि किसको लेना है। उसके बाद में हर्षल पटेल को तो जरूर ले, 100% हसरंगा को ले ले, ये हो सकता है। तो यहां पर आपका एक खिलाड़ी ये हो गया, एक रजत पाटीदार हो गया, दो तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, दोनों में से पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपके हेजलवुड और सिराज में से दोनों में से किसी एक को ले लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये दोनों भी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिराज हेजलवुड में से एक गेंदबाज, हर्षल पटेल दो, हसरंगा तीन, ये तीन गेंदबाज, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब जो पिच है ना, मैं आपको बता देता हूँ, जो अब मुंबई की पिच होने वाली है, वो पिच पर अब टूट गई है पिच, मतलब स्लो हो गई है पिच, और वहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिलने लगी है, ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले अब नहीं देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, IPL का रोमांच भी इसीलिए ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा चौके छक्के देखने को नहीं मिल रहे, स्पिनर्स को मदद मिल गई है, शुरुआत के ओवर्स में तेज़ गेंदबाजों को मदद मिल रही है, क्योंकि पिच स्लो होती जा रही है, तो वहाँ पर अब गेंदबाजों को बहुत मदद मिल रही है और बल्लेबाजी करना आसान उतना नहीं रहा है, ये एक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी टीम बनाए, ये भी बहुत जरूरी है। मेरा मानना है, दोनों टीमों में से ऊपर के क्रम के बल्लेबाजों को कम लें, नीचे के क्रम के बल्लेबाजों को ज्यादा लें, तो शायद आपको बेनिफिट हो सकता है। ये इस मुकाबले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मेरा मानना है कि रिद्धिमान सहा, गिल के साथ मिलर और वेड को मत लेना, मिलर को ले लेना और राशिद खान को ले लेना, तो ये एक बेहतर आपके लिए कॉम्बिनेशन हो सकता है। यश दयाल को आपने ले लिया, यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ, पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों में से किसी को मत लो, दोनों में से किसी को मत लो, रजत पाटीदार को ले लो, मैक्सवेल को ले लो, और दो यार पता नहीं क्या मेरा दिल फिर भी बोला है कि डुप्लेसिस को ले लेंगे तो बेहतर होगा। डुप्लेसिस, रजत पाटीदार,
उसके बाद में दिनेश कार्तिक आ जाते हैं, मैक्सवेल मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा पॉइंट देंगे, दिनेश कार्तिक आ जाते हैं, हर्षल पटेल को ले लेना, हसरंगा को ले लेना, और दोनों में से किसी एक को ले लेना, सिराज या हेजलवुड, दोनों में से किसी एक को ले लेना। तो देखिए अब मैं आपको 100% बताऊँगा 100% खिलाड़ी कौन से लेने, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊँगा ऑप्शनल खिलाड़ी, तो आपको समझ में आ जाएगा। 100% देखिए आपको गिन लेना है, ठीक है, 100% आपको मिलर लेना है, ठीक है, 100% आपको राशिद खान लेना है, ठीक है, 100% आपको मोहम्मद शमी लेना है और यश दयाल। तो ये आपके कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 पांच खिलाड़ी 100% आपके हो गए हैं इधर से गुजरात की तरफ से। अब यहाँ से मैं बता देता हूँ, रजत पाटीदार 100% लेना है, उसके बाद में दिनेश कार्तिक को 100% ले लेना, उसके बाद में हर्षल पटेल को 100% ले लेना, 3 हसरंगा को 100% ले लेना, 4 और सिराज या हेजलवुड दोनों में से किसी एक को 100% ले लेना। पांच खिलाड़ी हो गए आपके, तो पांच इधर से और पांच इधर से, 10 खिलाड़ी आपके 100% हो गए। अब आपको एक खिलाड़ी रखना है, तो ऑप्शनल के तौर पर मैं एक खिलाड़ी को आपको बता दूंगा, ऑप्शनल के तौर पर इधर से एक ओपनर और इधर से सहा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब विराट कोहली, डुप्लेसिस और सहा में से जो आपको अच्छा लगे, इन तीन खिलाड़ियों में से वो एक खिलाड़ी ले लें, तो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छी 11 खिलाड़ियों की टीम बन जाएगी। देखिए यहाँ पर गिल मैंने 100% बोले हैं, एक ओपनर हो गया, मिलर बढ़िया फॉर्म में रन भी बना रहे हैं, राशिद खान बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं, उसके बाद में शमी, यश दयाल, देखिए बादशाह गिर में ऊपर के बल्लेबाज इसलिए आपको नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने हार्दिक को नहीं बोला, मैंने वेट को नहीं, वेट तो खैर लेने बेकार है, इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे नहीं लगता है ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, क्योंकि ऊपरी क्रम पर जो है ना वहाँ पर आकर गेंदबाजों को बहुत मदद मिल रही है इन पिचों पर। हाई स्कोरिंग मुकाबले आपको इस आईपीएल 2022 में देखने को नहीं मिले, एक भी सुपर ओवर आपको इस आईपीएल 2022 में देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ की पिच अलग हो गई है, सारे मुकाबले एक ही मैदान पर खेले जा रहे हैं, तो वहाँ से पिच उसमें जान नहीं रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये एक है, यहाँ से मैंने आपको बोला 100% के लिए, रजत पाटीदार को मैंने 100% के लिए बोला है, उसके बाद में कार्तिक 100% के लिए बोला है मैंने, हर्षल पटेल को, उसके बाद में हसरंगा को, सिराज और हेजलवुड दोनों में से एक को किसी को 100% बोला है, तो 3 2 5 100% हो गए हैं। 11वें खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली, डुप्लेसिस या शाह, तीनों में से जो आपको बेहतर लगे तीनों खिलाड़ियों में से उसको ले लें, तो ये आपकी 11 खिलाड़ियों की टीम बन जाएगी। अब आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बता देता हूँ मैं, देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से शायद शुभमन गिल कैप्टन के मटेरियल बहुत बढ़िया होंगे, शुभमन गिल बहुत बढ़िया मटेरियल हो सकते हैं कैप्टन के तौर पर मेरे हिसाब से, उसके बाद में रजत पाटीदार एक बहुत बढ़िया मटेरियल हो सकते हैं कैप्टन के तौर पर, बहुत बढ़िया मटेरियल हो सकते हैं, कैप्टन के तौर पर मिलर भी बहुत अच्छे मटेरियल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये मुकाबला भी हाई स्कोरिंग नहीं होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला भी हाई स्कोरिंग नहीं होगा, ये भी 170-80, 60-70 वाला मुकाबला होगा शायद, तो मिलर भी एक अच्छे हो सकते हैं। तो ये वाइस कैप्टन के तौर पर मैं बता देता हूं, वाइस कैप्टन के तौर पर अगर आप ले रहे हैं मैक्सवेल को, तो मैक्सवेल एक वाइस कैप्टन के अच्छे हो सकते हैं, राशिद खान वाइस कैप्टन के अच्छे मटेरियल हो सकते हैं, ये एक है, उसके बाद में मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज वाइस कैप्टन का अच्छा मटेरियल होता है, हसरंगा जैसा खिलाड़ी वाइस कैप्टन का अच्छा मटेरियल होता है, तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो वाइस कैप्टन के अच्छे मटेरियल हो सकते हैं। कैप्टन के तौर पर शुभमन गिल या फिर रजत पाटीदार या मिलर, तीनों में से कोई एक, और वाइस कैप्टन के तौर पर राशिद खान, मोहम्मद शमी या फिर हसरंगा जैसे खिलाड़ियों में से कोई एक, ये भी क्योंकि ये गुच्छों में विकेट लेने जाते हैं, हसरंगा गुच्छों में विकेट लेते हैं, मोहम्मद शमी उसके बाद में राशिद खान भी ऐसे ही हैं, जिस दिन चलेंगे उस दिन कमाल का प्रदर्शन करेंगे। तो ये एक टीम है मेरी फैंटेसी जो मैंने गुजरात और आरसीबी के लिए बनाई है, तो आपका इस टीम पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, सोच समझ कर टीम बनाएं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको मैथ्यू वेट की जगह गुरबाज खेलते हुए नजर आए, तो टॉस का ध्यान जरूर रखें, टॉस के बाद अपनी टीम को दोबारा से बना लें। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।